दोस्तों सत्य प्रेम की कथा कल ही थिएटर में रिलीज हो गई थी। अगर आपने उसे देखा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको पूरी तरह बता दूंगा कि उस फिल्म में कहानी कैसे थी और क्या वो फिल्म देखने लायक था या नहीं। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा लेट के लिए। दोस्त यह फिल्म की कहानी बिल्कुल एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म की तरह है, जिसमें फर्स्ट प्लॉट में हमें कहानी थोड़ी बहुत घिसी पिटी लगेगी, पर जैसे ही कहानी सेकंड प्लॉट में जाती है उसी तरह कहानी में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और फिल्म में लगता है कि हाँ कुछ बनाया है डायरेक्टर्स ने। वहीं कार्तिक आर्यन जो कि एक लड़का होता है, उसे भी सपना होता है कि वो एक दिन डोली में अपनी दुल्हन बैठाकर लेकर आएगा, पर उसका वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा चिढ़ा रहता था। और आगे जाकर उसका ये सपना पूरा भी होता है, पर वो सपना पूरा होने के बाद उसके परिवार के अनुसार तो उसकी शादी अच्छे तरीके से हो जाती है, पर उस कहानी में भी बहुत ज्यादा ट्रबल छिपा हुआ होता है। मैं आपके इस ट्विस्ट को रिवील नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखें क्योंकि ये मस्ट वॉच फिल्म है। और रही बात कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की, तो कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में काफी अच्छा एक्टिंग किया है और बाकी सारे कैरेक्टर्स की तरह ही इनका ये कैरेक्टर इस फिल्म में मिलता जुलता है। और कियारा आडवाणी ने भी क्या इस फिल्म में एक्टिंग की है। वहीं इस फिल्म में करीब 7 गाने हैं, जिसमें से मुझे 2 गाने काफी पसंद आई और पसूरी, जिसे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, पर जब आप उसे इस फिल्म में देखोगे तो आपको वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और जहां इस फिल्म की एंडिंग में गाना बजाया जाता है और उसके बाद एंडिंग सीन दिखाई जाती है, जो कि इस फिल्म को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। और रही बात इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर ने भी इस फिल्म में क्या काम किया है। ऐसी ही फिल्मों को जरूरत है बॉलीवुड को, और ऐसे ही फिल्में बॉलीवुड के गिरते हुए स्थिति को वापस पहले की तरह खड़ा कर सकते हैं। इस फिल्म में हमें बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन्स वगैरह देखने को मिला। मैं इस फिल्म को देखने के बाद मैं इसे कम से कम 3.5 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। और आप इस फिल्म को कितना की रेटिंग देना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ट्रेनिंग टीवी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।